खबर गरीसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ कॉटन ड्रेस पे बहुत ही सिंपल सा एलिगेंट सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप एवरीडे भी यूज कर सकते हो, प्लस कोई फंक्शन हो तो भी यूज कर सकते हो। तो ये वाला वीडियो आई थिंक नई नवेली दुल्हन के लिए एंड बाईसाउन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे और आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल फील हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। कॉटन ड्रेस हम राजपूतों में पहने जाने वाला सबसे ज़्यादा है और इसको हम कैसे सिंपल और एलिगेंट लुक दे सकते हैं, तो ये मेकअप वीडियो उसी के लिए है। तो चलिए देखते हैं आगे का। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एल्प्स गुडनेस का ये ग्रीन टी टोनर यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो रोज वाटर भी यूज कर सकते हो या फिर आप चाहो तो कोई और टोनर भी यूज कर सकते हो, सिंपली फेस वॉश भी कर सकते हो, इससे रिफ्रेशमेंट फील होगा। सेकेंडली ये आपको मस्ट जरूर से करना है, टोनर ऑप्शनल था बट सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें कोई भी मेकअप यूज करने से पहले, और स्पेशली गर्मियों में तो करना ही, राजस्थान में बहुत कड़ाके की धूप है तो आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। यहाँ पे मैंने लैक्मे की यूज की है, जो भी आपको सूटेबल लगे आप वो यूज करें, इससे मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग होगा, काला भी नहीं होगा आपका मेकअप और धूप से आपकी स्किन भी सिक्योर रहेगी। एंड सेकेंडली मैं यूज कर रही हूँ ये बीबी क्रीम है, ये लैक्मे की बीबी क्रीम है। तो यहाँ पे नो फाउंडेशन एवरीडे मेकअप में यूज कर रही हूँ, बिकॉज जो बीबी क्रीम होती है ये बहुत लाइट वेट होती है और साथ ही अपनी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो भी देती है, एक इंस्टेंट फेयरनेस भी देती है। अच्छे से ये क्रीम अप्लाई करें ताकि वो अलग ना दिखे, थोड़ी पेची ना दिखे, तो अच्छे से अपनी हेयरलाइंस पे भी अच्छे से अप्लाई करें। और यहाँ पे कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर कुछ भी यूज़ नहीं करके मिनिमम प्रोडक्ट के साथ मैं ये लुक क्रिएट कर रही हूँ। अब काजल अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने एनवाईबे का काजल लिया है। आप नॉर्मल जो भी डेली यूज में काजल लेती है वो आप यूज़ करें, सारे के सारे प्रोडक्ट जो भी आपके पास है वही वाले यूज करें। काजल जो है वो मैं नीचे वाली वाटर लाइन पे लगाया, उसके बाद ऊपर वाली वाटर लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि जो मेरी पलके हैं वो थोड़ी सी घनी दिखे। आईलेसेस पे मैं बिल्कुल भी मस्कारा नहीं लगाने वाली हूँ, इसलिए इनको ऐसे ही नेचुरल रख रही हूँ। इसके बाद में मैं ऊपर वाली आईलेसेस के पास आईलाइनर लगा के काजल अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज हम इसको थोड़ा सा डार्क आई मेकअप में लुक दे रही हूँ। और इसको स्मज करने के लिए आप कॉटन टिश्यू पेपर आई मेकअप ब्रशेज कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसको काजल को हल्का सा स्मज कर ले, थोड़ा सा फैला दे ताकि अच्छा लगे। उसके बाद नीचे वाली वाटर लाइन पे भी आप एक्स्ट्रा काजल लगाएं, थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाएं और उसको भी स्मज करें ताकि एक डार्क आई मेकअप लुक का इल्यूजन आए और बहुत अच्छी लगती है राजपूती ड्रेस पे, आँखों पे डार्क जो आई मेकअप होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पे अपने आई मेकअप के लिए मैंने एक ब्राउन कलर का शेड लिया है, जो कि मैं अपनी आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास नहीं है, या फिर आप ब्राउन कलर का लिपस्टिक से भी अप्लाई कर सकते हो, एक हैक कर सकते हो छोटा सा। और इसको मैं क्या करूँगी, मेकअप ब्रश से अपने काजल के साथ थोड़ा सा स्मज कर दूँगी ताकि एक अच्छा सा लुक आ जाए और थोड़ा सा सही दिखे। और अब मैं क्या करूँगी, एक आईलाइनर की हेल्प से आपको एक हल्का सा विंग क्रिएट करना है अपनी आउटर कॉर्नर पे आँखों की, ताकि एक बहुत ही अच्छा सा लुक आए और काजल जो है वो आपका ऑलरेडी स्मज किया हुआ है, तो पूरी आईलिड पे आपको नहीं लगाना है, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे एक हल्का सा विंग बनाना है दोनों आंखों पे, ताकि एक बहुत ही प्यारा सा कलर अच्छा सा लुक आएगा और बहुत अच्छा लगता है आईलाइनर लगा हुआ राजपूती ड्रेस पे। आईलाइनर कैसे अप्लाई करें इसका फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज जरूर देखिएगा आप, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दोनों आंखों पे आपको आईलाइनर सेम लगाना है। यहाँ पे मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, मैंने रेड कलर की लिपस्टिक ऑलरेडी अप्लाई कर रखी थी हल्की सी, तो उसको रिमूव कर दिया। उसके बाद ये न्यूड सा सेट है मैट वाला, तो ये अप्लाई कर रही हूँ, तो इसका जो कलर आएगा वो हल्का सा पिंक कलर आएगा, जो बहुत अच्छा लगेगा इस ड्रेस पे। तो आप भी ऐसा कुछ मिक्स मैच ट्राई कर सकते हो अपनी लिपस्टिक के साथ। और ये बिंदी लगा ली, सिंदूर ऑलरेडी लगा लुक। मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे मैंने अफोर्डेबल प्रोडक्ट लिए हैं, प्लस हर किसी के पास हो ऐसे प्रोडक्ट लिए हैं और आप बहुत ही अच्छे लगोगे। अगर आप नई नवेली दुल्हन हो तो भी बहुत प्यारे लगने वाले हो, क्योंकि डेली वेयर के अंदर आपको ऐसा मेकअप चाहिए जो ज़्यादा चमकी वमकी वाला भी ना हो और एकदम सिंपल भी ना हो, तो बहुत ही अच्छा सा आई थिंक एलिगेंट सा लुक आएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है आपको और अगर चैनल लाइक का बटन दिया है तो रेड कलर का जो बटन है उस पर क्लिक कर दे और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दे, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे वीडियोज़ के। तो ये था सिंपल सा आज का वीडियो, होप कि आप लोगों को अच्छा लगे, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। एंड मेरी वॉइस को थोड़ा इग्नोर करना, बिकॉज आई एम नॉट वेल, तो हो सकता है थोड़ी केकी लगी है आपको, सो इग्नोर इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खमा गणिसा।